ये देखें, ये सामने दिलबर भाई खड़े हैं लाइफ विद हानिया के घर, चेक करें, मौसम एंजॉय कर रहे हैं और हम अपनी छत पे एंजॉय कर रहे हैं। ये देखें, यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो चुकी है। मुझे लग रहा है यहाँ पर भी ओले पड़ेंगे क्योंकि भावलपुर में तो बहुत ज़्यादा पड़े हैं। सामने देखें कितने गहरे बादल आ रहे हैं, तूफानी बादल, और बारिश भी स्टार्ट हो गई है। अब देखते हैं आगे क्या सीन है। फिलहाल खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे हैं, वो भी आपसे शेयर करते हैं। ये देखें, ये दिलबर भाई है और नवीद है, टॉफी खा रहे हैं चोरी करके अरसलान के। बारिश के मौसम में बारिश बार बारिश हो रही है। चलें, मुझे भी मिल गई है टॉफी, हम भी खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जा रहे हैं चन्नड़ पीर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है, लेकिन मौसम आज काफ़ी ख़राब है, तो देखते हैं क्या होता है। और वहाँ सारे मतलब रेत वगैरह है और ऊपर से फुल तेज़ बारिश है, तो देखते हैं क्या होता है। बस तो आ कीजिएगा, मैं आप लोगों को बारिश भी दिखाती हूँ कितनी तेज़ बारिश हो रही है, और वो जगह भी जाके हम एक्सप्लोर करेंगे कि वहाँ क्या है, कैसे हैं, और मैं आपको इसके बारे में बताऊँगी। वहाँ काफ़ी मेले भी होते हैं और बहुत ही हिस्टोरिकल जगह है, तो उसके बारे में वहाँ जाके मैं आपको। और ये है जी बारिश में असल स्वैग। बारिश होती है तो जाहिर है समोसे पकोड़े कंपलसरी हो जाते हैं, तो यही हो रहा है। ये जी अजमान के सबसे स्पेशल समोसे और पकोड़े हैं, जो कि बहुत मशहूर हैं, तो हमने ये ले लिए स्पेशली, तो हम ये कैसे भूल सकते थे। देखे रास्ते में फिर हम लोग इन्जॉय करते गए, बारिश हो और समोसे पकौड़े ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। एक गाड़ी में हम लोग थे, दिलबर भाई, नवीद और हानिया और मैं, और दूसरी जो गाड़ी थी उसमें बाकी सब। ये चन्नड़ पीर का रास्ता है चन्नड़ पीर तक जाते जाते, तो आज मौसम अच्छा था, बारिश हुई थी, इसलिए रेत ना अपनी जगह पे थी। अगर यहीं गर्मी होती और बारिश ना हुई होती ना, लग पता जाना था। जितनी यहाँ रेत उड़ती है और जितनी यहाँ गर्मी होती है, रेत है ऊपर से धूप होती है, तो तपिश इंतहा की हो जाती है। लेकिन बाय चांस आज मौसम इतना प्यारा था ना कि वाकई ही वहाँ घूमने का बहुत मज़ा आया। जाहिर है रेत है, तो अगर मौसम अच्छा हो तो फिर वहाँ मज़ा भी बहुत आता है, बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, ये है हमारी सेलिब्रिटी सनिया आसिम, कनाडा से आई हैं, तो स्पेशली हम इनको विजिट करवाने आए हैं चन्नड़ पीर। तो हाँ जी, तो हम रास्ते में खड़े हैं, थोड़े से पिक्स वगैरह बना रहे हैं। दिलबर भाई भी हमारे साथ हैं, हम अब चन्नड़ पीर की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा स्टे लिया हमने यहाँ। ये देखिए, ये बाग है यहाँ किन्नुओं का और मेरे ख्याल से आम का, सूबेदार का बाग है, चार मुरब्बों में है, इनकी भी सुन लें। ये जी हम चन्नड़ पीर पहुंच चुके हैं। ये है जी चन्नड़ पीर का जो दरबार है उसका दरवाज़ा। पहले तो यहाँ पे मेरे ख्याल से पैसे लेने वाले खड़े होते हैं, लेकिन अभी खड़े नहीं हैं। जब हम वापसी आ रहे थे ना, फिर इन्होंने पकड़ लिया था कि पैसे दे के जाएँ, छोड़ते नहीं हैं। ये चन्नड़ पीर का जो मकबरा है ना, वो देखने के लिए भी पैसे ही लेते हैं, पैसे देखे जाएं। ये देखें, यहाँ आवाम जमा है। चन्नड़ पीर दरबार पर पहुँच बहुत हमने सुना था, बहुत ज़्यादा। और ये नवीद भाई हमें इसके बारे में बताएंगे, बड़ी अजीम शख्सियत थे, ठीक है। तो ये जब रोही आबाद में था हुआ तब के ये इधर हैं, ठीक है। लोगों बहुत दूर से वहाँ इनके पास काम वगैरह करवाने आते थे, ठीक है। तो इनके हाथ में बहुत ज़्यादा शफा मानी जाती थी,
ठीक है, तो इनके पास एक इनका गड्ढा है जिनकी कब्र दूसरी साइड पे है, ठीक है। तो लोगों ने फिर इनके वफात पाने के बाद इनका मकबरा वगैरह बना दिया, ठीक है। तो उसके बाद ये चनरपीर के नाम से मशहूर हो गया। और यहाँ कोई मेला वगैरह भी होता है? यहाँ पे हर साल ही है, 7 मेले होते हैं, ठीक है। जुमेरात वाले दिन उसकी छुट्टी भी होती है 5वें और 6ठे मेले की, जिसपे यही माना जाता है कि बहुत ज़्यादा रश होता है, बड़ी दूर से लोग सैर सियाहत के लिए यहाँ पे आते हैं, तो बहुत प्यारा माहौल होता है, बहुत प्यारा माहौल होता है। सर अभी ये इसकी हिस्ट्री थी और ये हमने इनसे पूछी है इस वजह से क्योंकि हमें इस चीज़ की मालूमात नहीं है। कहीं भी आप जाते हो अगर हिस्ट्री का नहीं पता तो फिर वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये चनरपीर दरबार आगे अंदर चल के आपको इसका ये देखें, ये एक दरख्त है जहाँ पे लोगों ने काफ़ी सारी कपड़े वगैरह बांधे हुए हैं, मतलब यहाँ लोग आके काफ़ी मन्नतें भी मानते हैं, तो ये उस चीज़ के लिए बनाया गया है। देखें बस कहते हैं शिफा देने वाला तो अल्लाह की ज़ात है और दुआएं कबूल करने वाली भी, लेकिन कुछ लोगों के ट्रेडिशंस हैं तो ये हैं। इसकी स्टोरी आपको मेरे हस्बैंड ने बता ही दी है तो मुझे बताने की दोबारा ज़रूरत तो नहीं है। ये देखें ये दरबार के अंदर का व्यू है और इसमें ये कोई चीज़ फेंक रहे हैं। अभी जो मैं आपको बता रही थी ना कि दरबार के ऊपर कुछ फेंक रहे हैं, तो ये मखाने होते हैं। ये देखें उन्होंने बाहर ही स्टॉल्स लगाए हुए हैं दरबार के बाहर ही, तो वो सेल कर रहे हैं वहाँ पे, फिर फेंके जाते हैं। ज़ाहिर है कोई रस्म है, रिवाज है, तो फेंकते हैं वहाँ पे, फिर वो बच्चे होते हैं। मैं आगे ना इनकी कहानी आपको बताती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। तो ये फेंके जाते हैं और बच्चे उठा के वापस इधर ले आते हैं, आगे मैं आपको बताती हूँ। अभी हम लोगों ने जिस शॉप से लिए हैं ना, देखें इन्होंने 7 बच्चे भी भेज दिए हैं। अब यहाँ पे ये सीन है और इन्हीं को जाके सेल कर देंगे, सेल कर देंगे। अब हम ये वहाँ फेंकेंगे, 10 रुपए दे देते हैं ये, ठीक है, और उसके बाद इन्हीं के पास इनकी चीज वापस हो जाती है। देखिएगा आप ये चेक कीजिएगा, ये देखें ये बच्चे साथ ही जा रहे हैं। अब हमने ये फेंकने, इन्होंने वापस इन्हें कलेक्ट करके ना वापस ही शॉप वाले को जाकर दे देने हैं और इन्होंने दोबारा सेल करने हैं। अब चेक कीजिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। देखें दिलबर भाई पांव धो रहे हैं क्योंकि बारिश की वजह से बहुत सारी कीचड़ थी दरबार के आसपास, तो नंगे पांव चलना पड़ा है। दिलबर भाई ने जूता भी मांग के पहना है। जूता भी मांग के पहना है। इनके बकौल जूते के पैसे आ गए गरीब के पास। और ये देखें ये तो इतनी गुर्बत का शिकार है, इन्होंने पानी वाला जूता भी हाथ में उठाया हुआ है। ये देखें यहाँ पे ये सारे स्टॉल्स हैं, काफी सारे। ये देखें ये टॉयज हैं यहाँ पर, छोटे छोटे इन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। अच्छा ये देखें यहाँ ज्वेलरी भी है काफी सारी। ये देखें इन्होंने छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए हुए हैं क्योंकि यहाँ काफी सारे मेलों पर लोग आते हैं ना दूर दूर से, तो फिर यहाँ से वो चीज़ें लेके जाना ना काफ़ी बहुत समझ। धागे भी हैं, ये कुछ इनके रस्म रिवाज होते हैं, कोई मनते वगैरह। ये देखें इनकी मुझे काफ़ी दिनों से तलाश थी, मुझे और मेरी अम्मी को, तो फाइनली मुझे यहाँ नज़र आ गए हैं। अब हम यहाँ से लेते हैं साइज़ चेक करके, एक अम्मी का लेते हैं और एक अपना लेते हैं। चलो ये देखें ये रिंग्स हैं कुछ यहाँ पे। हाँ जी अब हम कहाँ आ गए हैं? तो फाइनली अब ये दरबार वाला किस्सा ख़त्म हुआ, तो अब यहाँ से थोड़ा सा फासले पे आगे पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर आ जाता है। अच्छा यहाँ बॉर्डर है पाकिस्तान इंडिया का? तो तकरीबन थोड़ा सा डिस्टेंस है कुछ मीटर का इधर सामने जी, देख लें यहाँ सामने फिर इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है जो हमारे बहन भाई इंडिया से देखते हैं। ये देखें सामने ही उधर वो आपको लाइन नज़र आ रही है ना, वहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो बॉर्डर है वहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया का। ये देखें ये चनरपीर की जो है ना बैक साइड है उनके मकबरे की, ये सारा व्यू चेक करें। बारिश की वजह से ना सारा पानी है, अगर हम ये बारिश ना हुई होती ना तो ये सारी रेत उड़ उड़ के मुंह पे आ रही होती और बिल्कुल मज़ा ना आ रहा था खड़ा होने का। जी आज के लिए इतनी ही वीडियो थी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अब हम मिलेंगे अगले अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।